दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। आज गुल्ली बुल्ली के घर अपना पार्टी बॉय सॉन आया हुआ है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आखिर इतनी सुबह सुबह गुल्ली बुल्ली के घर सॉन करने के आया है, यही सोचकर गुल्ली बुल्ली परेशान हो रहे हैं। और तभी गुल्ली कुछ सोचते हुए सॉन से बोलता है कि क्या हुआ सॉन, आज इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? सच सच बताओ, तुम गेम खेलने ही आए हो ना? और अगर हाँ तो चलो घर के अंदर, हम लोगों ने आज एक नया गेम डाउनलोड किया है और उसका नाम तो तुम्हें घर के अंदर ही बताएंगे हम। और ये सुनकर सॉन बोला, नहीं गुल्ली, मैं गेम खेलने नहीं आया, मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि शहर के बाहर एक पार्क खुला है और वो पार्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग वहाँ पर घूमने चलें, और वैसे भी कई दिन हो गए हम लोग कहीं पर घूमने नहीं गए, इसी बहाने शहर की थोड़ी सैर हो जाएगी और थोड़ा मज़ा ले लेंगे हम लोग। और ये सुनकर गुल्ली बुल्ली तुरंत मान गए उस पार्क की तरफ जाने के लिए। और इसके बाद ये लोग घर के अंदर गए तैयार होने के लिए, और तैयार होकर बाहर आते आते 10 बज चुके हैं, और अब इन लोगों को थोड़ा जल्दी करना होगा नहीं तो ये लोग लेट हो जाएंगे। और तभी गुल्ली बुल्ली और सॉन जीप की तरफ जाने लग जाते हैं काफ़ी तेज़ी से, और इसके बाद ये लोग जीप में बैठते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस पार्क की तरफ। जीप को घर के बाहर निकालते ही बुल्ली जीप की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो पार्क यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है जहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और गुल्ली बुल्ली को वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, इसलिए बुल्ली जीप की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और इन लोगों को ट्रैफिक की वजह से उस पार्क वाले रास्ते पर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है, और अभी रात के 7 बज रहे हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि पार्क अभी भी खुला हुआ है और अब पार्क बहुत ही जल्द आने वाला है, और वैसे भी ये लोग पार्क वाले रास्ते पर अंदर आ चुके हैं और पार्क भी खुला हुआ है। इन लोगों को ये चीज़ दूर से ही दिखाई दे रही है। अंधेरा ज़्यादा होने के कारण बुल्ली जीप की स्पीड को स्लो कर देता है, और इसके बाद ये लोग एक जगह पर आकर जीप को रोक देते हैं, और इसके बाद ये तीनों उस जीप से उतर जाते हैं। और ये लोग जीप से उतरते ही एक चीज़ देख कर हैरान है, और वो चीज़ ये है कि आस पास एक भी आदमी दिख नहीं रहा है। आखिर सारे लोग गए कहाँ, यही सोच सोच कर गुल्ली बुल्ली और सॉन परेशान हो रहे हैं। और ये देखकर बुल्ली गुल्ली और सॉन से बोलता है कि गुल्ली और सॉन, आखिर सारे लोग गए कहाँ, और पार्क तो अभी खुला हुआ है तो यहाँ पर तो काफी भीड़ होनी चाहिए थी, आखिर कोई भी यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है? कहीं यहाँ पर कोई हादसा तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है? और ये सुनकर सॉन बुल्ली को समझाते हुए बोला, नहीं बुल्ली, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि सब लोग ऊपर हों, और वैसे भी ये तो रोड पर हैं हम लोगों को ऊपर जाकर चेक करना चाहिए, कोई ना कोई तो होगा ही ऊपर, सब लोग झूला झूल रहे होंगे। और ये सुनकर गुल्ली इन लोगों से बोलता है कि हाँ, मुझे सॉन की बात ठीक लग रही है, हमें एक बार चल कर देखना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ हो और कोई भी आदमी ना हो, इसलिए सॉन तुम यहीं पर रुककर हम लोगों के आने का इंतज़ार करो, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये बात सॉन तुरंत मान जाता है, और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली ऊपर जाने लगते हैं, और सॉन इन लोगों को जाता हुआ देख रहा होता है और इन लोगों के आने का इंतज़ार करने लग जाता है। गुल्ली और बुल्ली काफ़ी तेज़ी से आसपास देखते हुए पार्क के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान है। और थोड़ी ही देर में ये लोग पार्क के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग पार्क के अंदर पहुंचते ही ये देख कर हैरान है कि आसपास एक भी आदमी नहीं है, आखिर सारे लोग कहां पर चले गए और इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए, और पार्क तो अभी खुला है तो यहां पर एक तो इंसान होना ही चाहिए था। ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख कर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज़ एक मेल बॉडी को खा रहे होते हैं,
और वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसका हाथ पैर और सर पहले ही खा चुके थे और उसके बचे खुचे हिस्सों को भी खा रहे होते हैं कि तभी जॉम्बीज ने इन्हें देख लिया और पीछे से दो जॉम्बीज और आने लगे और ये सारे के सारे गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगे। और इधर शॉन गुल्ली बुल्ली के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है लेकिन इन्हें इसे क्या पता कि वहाँ पर तो जॉम्बीज आ चुके हैं। शॉन इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर शॉन पीछे मुड़ता है और ऊपर देखने लगता है और तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या चीज है जो हवा में उड़ रही है? ये बात शॉन को समझ में नहीं आ रही। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ये क्या चीज है। ये तो किसी एलियन की स्पेसशिप लग रही है लेकिन आखिर ये किसकी स्पेसशिप है? तभी उस स्पेसशिप से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है। शायद इसमें से कोई उतरने वाला है लेकिन वो कौन हो सकता है? तभी यूएफओ वहाँ से चला गया और यूएफओ में से ये कौन उतरा? ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज शॉन को देखते ही शॉन की तरफ काफ़ी तेजी से जाने लगते हैं और शॉन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिरकार वो करे क्या। और गुल्ली बुल्ली भी अभी तक नहीं आए हैं और इधर गुल्ली बुल्ली भी ज़ॉम्बीज को अपने पास आता देख भागने लगते हैं और यूएफओ भी वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बुल्ली यूएफओ को भी देख लेते हैं जाते हुए। थोड़ी ही देर में ये लोग शॉन के पास भी पहुंच जाते हैं। शॉन के पास पहुंचते ही बुल्ली शॉन से बोलता है कि शॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी जीप में बैठो नहीं तो ये ज़ॉम्बीज हमें मार डालेंगे। और पीछे देखो ज़ॉम्बीज हमारे पास आ रहे हैं। और इतना बोलकर ये लोग जीप में बैठते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है लेकिन ये क्या जीप आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे ये क्या जीप को तो पीछे से ज़ॉम्बीज ने पकड़ रखा है। ज़ॉम्बीज कब से इतने चालाक हो गए? बुल्ली ने तो सोचा था कि ज़ॉम्बीज के पास दिमाग ही नहीं होता लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही दिमाग वाले ज़ॉम्बीज हो गए। बुल्ली को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब इस ज़ॉम्बीज से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। बुल्ली ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो दूसरी तरफ देखता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये तो और भी ज़ॉम्बी है। ये ज़ॉम्बी सीधे गुल्ली बुल्ली और शॉन के जीप के पास जा रहे हैं। अब लगता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन का बचना नामुमकिन हो गया है क्योंकि गुल्ली बुल्ली को ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर रखा है। ज़ॉम्बी सीधे गुल्ली बुल्ली की जीप के पास आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लग जाते हैं लेकिन तभी बुल्ली किसी तरह से उन्हें लात मारकर गिराने की कोशिश करने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं। ज़ॉम्बी को गिराना इतना भी आसान नहीं है लेकिन आखिरकार बुल्ली ने एक ज़ॉम्बी को गिरा ही दिया। और तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली तुम जीप को आगे नहीं ले जा सकते लेकिन पीछे तो ले जा सकते हो ना, जल्दी से रिवर्स गियर मारो और ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए यहाँ से निकल पड़ो नहीं तो ये ज़ॉम्बीज हमें भी काट के ज़ॉम्बीज बना देंगे। और ये सुनकर गुल्ली कहता है ठीक है मैं अभी करता हूँ। उसके बाद गुल्ली को पीछे की तरफ ले जाने लगता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। जाते वक्त शॉन इन दोनों से बोलता है अब तुम लोग बाबा के घर की तरफ गाड़ी को ले चलो क्योंकि अब एक बाबा ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज दूसरी दुनिया से आए हैं इसलिए हमें इन्हें वापस भेजना होगा। अगर ये लोग वापस नहीं जाएंगे तो हमें इन्हें मजबूरन ख़त्म करवाना होगा बाबा से। यही सब बातें करते हुए ये लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से यूएफओ दोबारा वापस आने लग जाता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन पार्क से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यूएफओ आ जाता है और उस यूएफओ से तेज रोशनी निकलने लगती है। पता नहीं ये यूएफओ इस बार कौन सी बड़ी मुसीबत लाया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों की जीप रोशनी के नीचे आ जाती है और यूएफओ उन्हें ऊपर की तरफ खींचने लगता है। यूएफओ उन्हें अंदर खींच ही रहा होता है कि तभी वहां पर
बाबा अपनी बाइक लेकर आ जाते हैं। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बाबा तुरंत अपनी बाइक से उतरते हैं और फिर UFO के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं। लेकिन ये क्या, बाबा के हमलों का UFO के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। थोड़ी देर हमला करने के बाद बाबा समझ जाते हैं कि UFO पर हमला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली की जीप को UFO के अंदर से बाहर निकालने लग जाते हैं। जीप को बाहर निकालने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप से उतरते हैं और बाबा के पास आके खड़े हो जाते हैं। बुल्ली बाबा से बोलता है कि अच्छा हुआ बाबा आप यहाँ पर आ गए, वैसे आपको पता कैसे चला कि हम मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि हमने तो आपको बुलाया नहीं था। बुल्ली की बातें सुनकर बाबा बुल्ली से बोलते हैं कि बुल्ली अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर फंसे कैसे और यहाँ पर चल क्या रहा है, जल्दी से बताओ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सारी बातें सुनकर गुल्ली बाबा से बताता है कि बाबा हम लोग पार्क आ रहे थे और फिर हमने पार्क में देखा कि पार्क में कोई है ही नहीं, फिर हमने अंदर जाकर चेक किया तो वहाँ पर हमें ज़ॉम्बीज मिल गए। और इसके बाद शॉन बोलता है हाँ बाबा, और वो ज़ॉम्बीज कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये UFO उन्हें यहाँ ले आया है, पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। गुल्ली की बातें पूरी होने के बाद गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा हो सकता है कि स्पेसशिप दूसरी दुनिया से आया है, क्योंकि पिछली बार सैरन हेड भी इसी UFO से आया था हमारी दुनिया पर कब्जा करने। बाबा गुल्ली की बात सुनकर कहते हैं कि तब तो ये भी हो सकता है कि सैरन हेड दोबारा यहाँ पर हमला करने आया है, अब लगता है उसे सबक सिखाना होगा। गुल्ली बाबा से बोलता है नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, सैरन हेड हमारा दोस्त बन चुका था तो वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, और आपने भी तो उसे वार्निंग दी थी। और ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये UFO किसकी है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी UFO से कोई उतरने लगता है। अरे ये क्या, ये कौन है, ये तो दिखने में बिल्कुल सैरन हेड जैसे लग रहा है, लेकिन ये सैरन हेड नहीं है, ये उसका एक साथी है जिसका नाम पाइप हेड है। गुल्ली बुल्ली और बाबा कुछ समझ पाते हैं इससे पहले ही पाइप हेड ने बाबा और शॉन के कुछ समझने से पहले ही पाइप हेड ने उन पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसकी वजह से गुल्ली बुल्ली और शॉन बेहोश हो गए और उनकी जीप भी पलट गई और बाबा भी पाइप हेड के इतने जोरदार हमले को नहीं रोक पाया और फिर वो भी गिरकर बेहोश हो चुके हैं। अब पता नहीं बाबा को कब होश आएगा। सभी को भी होश देखकर पाइप हेड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा को गुस्से से घूमने लग जाता है। आखिर ये बाबा के साथ करने क्या वाला है। पाइप हेड थोड़ी देर बाबा को घूरता रहता है और इसके बाद वो मन में सोचता है कि ये तो बुढ़ा हो चुका है, इसको खाने से मुझे ज़्यादा ताकत नहीं मिलेगी, आगे मोटे तगड़े लोग हैं उन्हें खाने से मुझे ज़्यादा ताकत मिलेगी। और इतना सोचने के बाद पाइप हेड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आ जाता है और फिर वह गुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लग जाता है। थोड़ी देर तक गुल्ली को घूरने के बाद पाइप हेड गुल्ली को अपने हाथों में उठा लेता है और फिर वह अपने सर को बड़ा करता है और गुल्ली को खाने लग जाता है। इधर बाबा को भी होश आ चुका है। अरे ये क्या, बाबा का तो सुपर एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है, लगता है पाइप हेड का बचना नामुमकिन हो गया है। इसके बाद बाबा अपने हैमर को अपने पास बुलाते हैं और उससे पाइप हेड पर हमला करने का ऐलान करते हैं। It's
हेड को अपने एक ही ओर से ढेर कर दिया और पाइप हेड को धूल चटा दी। अब पाइप हेड कुछ देर के लिए भी होश हो चुका है और गुल्ली की जान बच गई, वरना पाइप हेड गुल्ली को खा जाता। पाइप हेड को धूल चटाने के बाद बाबा पाइप हेड के पास जाने लगते हैं। बाबा पाइप हेड के ऊपर चढ़ते हुए और आगे जाने लगते हैं और अपने हैमर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बाबा अपने हैमर को उठाते हैं और पाइप हेड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये क्या हुआ, बाबा को ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से वो वहीं पे खड़े हो गए। उन्हें कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो UFO है। लेकिन आखिर अब UFO अब की बार कौन सी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। UFO को देखते ही बाबा का गुस्सा सातवें आसमान के पार पहुंच जाता है और फिर तभी देखते ही UFO में से तेज रोशनी निकलने लगती है। शायद इसमें से कोई उतरने वाला है। UFO से किसी को उतरता देखकर बाबा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और इससे पहले कि UFO से कोई उतर पाता, बाबा अपने जादुई छड़ी को अपने पास बुलाते हैं और अपने हैमर और जादू की छड़ी को लेकर उस UFO की तरफ दौड़ लगा देते हैं। और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। बाबा दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाते हैं UFO की तरफ। UFO पर चढ़ते ही बाबा उस पर एक जोरदार धमाका करते हैं और फिर वो UFO को देखने लग जाते हैं। लगता है बाबा UFO के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। और तभी देखते ही बाबा अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये क्या, बाबा ने तो पूरे UFO को ही खत्म कर दिया। उसके अंदर जो भी था वो मर चुका है। और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ जाने लगते हैं। बाबा बुल्ली और शॉन के पास जाते ही उन दोनों को घूमने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों को होश में लाने के लिए बाबा अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं और जमीन पर एक जोरदार स्लैश का हमला करते हैं जिससे गुल्ली बुल्ली और शॉन को होश आने लग जाता है। उस स्लैश का असर गुल्ली पर तुरंत हो जाता है और उसे तुरंत ही होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। और इधर बुल्ली को भी होश आने लगा है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है और शॉन को भी होश आ जाता है। और इसके बाद गुल्ली पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखता है और फिर वो बाबा और बुल्ली को सही सलामत देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों के पास जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है। उन लोगों के पास पहुंचते ही ये सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और गुल्ली भी खुश हो जाता है। लेकिन ये क्या, तभी साइरन हेड को होश आने लगता है और वो बाबा को देखने लगता है और तभी वो उठकर बैठ जाता है और अपने सर को ठीक करने लगता है। शायद ये बाबा पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो बाबा पर हमला करता, गुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा वो देखिए पाइप हेड आप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और बाबा को ये देखकर गुस्सा आता है और वो दौड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा दौड़कर एक ऊंची छलांग लगाते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं और इसके बाद वो पाइप हेड की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। शायद अब पाइप हेड को स्पीयर लगने वाले हैं। स्पीयर
बाबा के स्पीयर से पाई फिर दोबारा ढेर हो जाता है और इसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन के पास जाने लगते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली और सोन ने पाई फेट के पैर क्यों पकड़े हुए हैं और बाबा पाई फेट के पास क्यों खड़े हुए हैं? शायद अब पाई फेट के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और इसके बाद शायद वो दोबारा कभी काम करने लायक नहीं बचेगा। और तभी देखते ही देखते बाबा अपने हैमर से पाई फेट के पॉइंट पर हमला करते हैं और बस फिर क्या, बस कई पाई फेट की फूंगी। पाई फेट को इतनी गंदी मार आज तक किसी ने नहीं मारी होगी। पाई फेट उस मार को सहन नहीं कर पाता और फिर वहीं पर वो चल बसता है और इसके बाद गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और फिर थोड़ी देर जश्न मनाने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।